हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आईटी फिटर फाइटर चैनल में। फ्रेंड्स, जो कल लाइव टेस्ट हुआ था 2, तो आपको पता होगा कि डेली लाइव टेस्ट होता है। तो जिन फ्रेंड्स ने अभी लाइव टेस्ट ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप क्लिक करके पेमेंट के माध्यम से आप डेली लाइव टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जो 11 PM में होता है। आप मॉर्निंग के 7 AM तक आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं, तो आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। किसी भी टाइम आप आकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। लाइव टेस्ट की PDF भी आपको मिलती है जो पेड ग्रुप में ऐड हुए हैं। साथ ही में आपको क्वेश्चन जो भी आप लाइव टेस्ट देते हैं उसकी आंसर की इस वीडियो के माध्यम से जो आपका डाउट है वो क्लियर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारे लाइव टेस्ट में 10 क्वेश्चन होते हैं। लेथ मशीन हमारा चैप्टर चल रहा है तो हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करेंगे। जहाँ पर डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, लेथ बेड के क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, निम्न में से कौन सा कथन क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बारे में गलत है। तो आपको पता है इसकी लागत अपेक्षाकृत कम होती है, तो ये भी हमारा अच्छा है। क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बारे में कथन हमारा सत्य है। इसमें गलनीयता, फ्यूजिबिलिटी, मतलब आप जानते होंगे बहने का गुण, ये भी होता है ग्रे कास्ट आयरन में। ये अधिक कंपन सहन कर सकते हैं, ये भी आपको पता है क्योंकि क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन है इसलिए कंपन सहन कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कास्ट आयरन की बात नहीं कर रहे हैं, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की बात कर रहे हैं, इसलिए कंपन सहन कर सकता है। इसमें बियरिंग सतह की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, तो इसमें जो गुणवत्ता है क्वालिटी वो अच्छी होती बियरिंग सतह की, लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, नहीं लिखा है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। इसी प्रकार से हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, जब जॉब की पूरी लंबाई में टेपर काटना हो तब टेल स्टॉक ऑफसेट ज्ञात करने का सूत्र क्या है। अगर फ्रेंड्स आपने कल का वीडियो देखा होगा तो ये आपका क्वेश्चन राइट होगा। अगर नहीं, जो आपने आंसर सही टिक किया होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो फिर हो सकता है आपने गलत टिक किया हो। अगर नहीं देखा तो लिंक जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर हम कल के वीडियो की लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिए कल के जो लाइटेस्ट के क्वेश्चन आंसर थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो हम बात कर ले इसका राइट आंसर होगा D-D/L। कैसे होगा फ्रेंड्स, सॉरी, इसका आंसर होगा हमारा D-D/2। कैसे होगा, तो हम बात करते हैं जब हम टेलर ऑफसेट निकालते हैं, जब हम टेपर टर्निंग करते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, इधर हमारा हेड स्टॉक होता है और इधर टेल स्टॉक होता है, तो बीच में हमारा बेलनाकार जॉब होता है। तो इस यहाँ पर टेल स्टॉक के ऑफसेट ऑफसेट क्या है, इधर से मतलब ऑपरेटर की ओर ऑफसेट करते हैं और ऑपरेटर की विपरीत दिशा में टेल स्टॉक को ऑफसेट करते हैं, तो उस माध्यम से हम टेल स्टॉक ऑफसेट निकालते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है, तो फार्मूला क्या होता है वही हम आपको इसमें बताने की कोशिश करें, तो आप समझिएगा। तो जब हम टेल स्टॉक ऑफसेट निकालते हैं फार्मूला हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, D-D, यहाँ पे ब्रैक कैपिटल एल होता है बटे में इस ये 2L। स्मॉल एल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, स्मॉल एल देख लीजिए, स्मॉल एल का मतलब होता है जो हम जितनी लंबाई में हमें टेपर टर्निंग करनी है, मान लो हमें इस इतने जॉब तक हमें टेपर टर्निंग कर केवल इतने इस लंबाई से, क्योंकि इधर से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हम इधर से हम इधर तक यहाँ तक इतनी हम टेपर टर्निंग कर रहे हैं बेलनाकार जॉब में, इतना हम टेपर उसमें काट रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम पूरी लंबाई में अगर हम टेपर काट रहे हैं, मतलब जितना हमारा लंबा जॉब उतने में अगर हम टेपर टर्निंग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा जॉब की लंबाई, जॉब की लंबाई हमारी फार्मूला हमने क्या लिखा था, L D-D/2L। तो हमारा जब जॉब की लंबाई के बराबर हम अगर टेपर टर्निंग करें तो L किसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाएगा ना। अगर लंबाई हमारी 10 है जॉब की, तो और इसकी और टेपर टर्निंग जो कर रहे हैं वो भी हम 10 mm तक कर रहे हैं, जो 10 मीटर जो भी हमारी जॉब की लंबाई है, तो उसके बराबर जब करेंगे तो बराबर बराबर हो जाएगा ना, तो हम क्या कर देंगे, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब हमारा ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, D-D/2। कहने का मतलब है जब पूरी लंबाई में अगर हमें टेपर टर्निंग करनी है तब हमारा फार्मूला होता है D-D/2। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, D-D/L फार्मूला किसका होता है, टेपर कोनोसिटी का फार्मूला होता है। D-D/2L किसका होता है फ्रेंड्स, हमें जब टेपर एंगल निकालना होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, D-D/2L। ये हमारा होता है कब होता है फ्रेंड्स, जब हमें टेपर एंगल निकालना होता है। तो अब आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट फिर भी आप करके फिर पूछ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर लिखा होता फ्रेंड्स कि हमें जो टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड द्वारा अगर कुछ लंबाई तक अगर टेपर टर्निंग करनी, कुछ लंबाई तक की बात करें, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा L D-D/2L। पूरी लंबाई की अगर बात करता जॉब की पूरी लंबाई में टेपर काटना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा D-D/2। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि, ठीक है फ्रेंड्स, L L बराबर हो जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा पावर को विद्युत मोटर से स्पिंडल तक पहुंचाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा हेडस्टॉक। आपको पता होगा फ्रेंड्स हेडस्टॉक इसके द्वारा ही हम पावर को विद्युत मोटर से स्पिंडल तक पहुंचाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हेडस्टॉक। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा, जब जॉब के ऊपर शुद्ध टेपर किस विधि से काटा जाता है? तो हमने फ्रेंड्स आपको बताया था कल की वीडियो में कि जब हम शुद्ध टेपर की काटने की बात करते हैं तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा हम शुद्ध टेपर काटते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शुद्ध टेपर का मतलब शुद्धता में टेपर, एक्यूरेसी में टेपर हम काटते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोन पुली हेड स्टॉक में स्टेप कोन पुली लगी होती है जिसमें स्टेप होते हैं? तो हमारे तीन अथवा चार हमारे कोन पुली हेड स्टॉक में एक पहली बात हमारा क्या हेड स्टॉक में कौन है, हमारा किस टाइप का हेड स्टॉक है, कौन पुली हेड स्टॉक है, उसमें किस प्रकार की पुली यूज करते हैं क्वेश्चन आता है, तो स्टेप कौन पुली का यूज करते हैं, स्टेप कौन पुली। अब स्टेप कौन पुली में कितने स्टेप होते हैं? तो तीन अथवा चार, तीन भी हो सकते हैं या फिर चार हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रफ और भारी कामों के लिए किस लेथ बेड का प्रयोग करेंगे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्लैट बेड। फ्लैट बेड का फ्रेंड्स हम रफ व भारी कामों के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेपर कोनोसिटी ज्ञात करने का फार्मूला क्या? तो टेपर कोनोसिटी फार्मूला हम ज्ञात करने का हमने आपको बताया था, टेपर कोनोसिटी हमारा कल का क्वेश्चन क्या था कि टेपर रेशियो, तो टेपर रेशियो को ही टेपर कोनोसिटी बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है डी माइनस डी अपन एल। ठीक है भाई, और डी माइनस डी अपन टू एल क्या होता है, टेपर एंगल निकालने का, टेपर ऑफसेट निकालना और टेल स्टॉक ऑफसेट के मैथड से, तो ये हमारा फार्मूला था। पूरी लंबाई में अगर टेपर टर्निंग करनी है तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे रुकिए, डाउट यहाँ पे थोड़ा सा देख लिया, ऑप्शन चेंज है यहाँ पे। तो अगर हमें पूरी लंबाई में निकालना है, पूरी लंबाई, तो उसका हमारा राइट आंसर क्या होता है फ्रेंड्स, डी माइनस डी अपान टू, ये पूरी लंबाई में अगर हम टेपर टर्निंग करें टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड द्वारा, तब ये फार्मूला होगा। अगर कुछ लंबाई में अगर हमें टेपर टर्निंग करनी है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वाला हमारा एल डी माइनस डी अपान टू एल, ये हमारा ये किसी में नहीं होता, तो मेरी ये गलत है, मतलब ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड द्वारा कुछ लंबाई तक टेपर टर्निंग करनी होती है तब ये फार्मूला। ठीक है, अब आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड स्टॉक स्थित होता है तो लेथ मशीन के हमारे बाईं ओर हमारा क्या हेड स्टॉक स्थित होता है, और लेथ मशीन के दाईं ओर हमारा क्या स्थित होता है, टेल स्टॉक स्थित होता है। अगर आपको नहीं याद है तो ये चीज़ें नहीं पता है, तो आप लेथ मशीन देखिए, आप नेट पर डालिए लेथ मशीन को पिक, वहाँ से आप देख लीजिए, तो अच्छे से वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, तो प्रैक्टिकली जो है फिगर के माध्यम से हम समझाने की कोशिश कर लेंगे। तो सबसे अधिक लंबाई में टेपर काटने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो कल के वीडियो में हमने बताया था, सबसे अधिक लंबाई में अगर हमें टेपर टर्निंग करनी है तो हम प्रयोग करेंगे सेट ओवर मेथड का। सेट ओवर मेथड को ही टेल स्टॉक मेथड बोलते हैं। तो टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड द्वारा हम टेपर टर्निंग करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे हेड स्टॉक, यहाँ पे टेल स्टॉक, तो इसके बीच में इतने से जॉब को, और कई सारे प्रोसेस होते हैं, बेंटेल कैरियर का यूज करते हैं, डॉक करियर, तो ये सारा हम कुछ एक वीडियो बना के पर्टिकुलर कैसे टेपर टर्निंग करते हैं वो वीडियो बना के आपको बता देंगे। तो यहाँ से कैसे टेपर टर्निंग करते हैं वो सारा कुछ क्लियर कर देंगे एक वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अभी आप ये समझनी कि ये समझिए कि इतने से जॉब की लंबाई की, जब हमें काफ़ी बड़े लंबे जॉबों पे अगर हमें टेपर टर्निंग करनी है तो उस समय हम सेट ओवर मेथड या हम टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पर टेल स्टॉक होता है, थोड़ा सा आगे पीछे यूज कर आगे पीछे करते हैं, और यहाँ पर हमारा कैरिज होता है जिसमें कई फिर टूल पोस्ट होते हैं, टूल कटिंग टूल लगा के हम टेपर टर्निंग करते हैं इस प्रकार मेथड से। तो क्लियर करेंगे जब हम चैप्टर वाइज क्लियर करेंगे थ्योरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेड स्टॉक का मेन स्पिंडल बना होता है, हेड स्टॉक का हमारा मेन स्पिंडल जो होता है एलॉय स्टील का बना होता है, काफ़ी सारे ने लोगों ने कास्टन लगाया, हाई कार्बन स्टील लगाया, ये राइट आंसर है, निकल क्रोमियम का बना होता है जिसे हम एलॉय स्टील भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एलॉय स्टील, हेड स्टॉक का मेन स्पिंडल बना होता है। एक क्वेश्चन हमारा आता है कि नोज स्पिंडल क्या होता है, स्पिंडल नोज जिसे बोलते हैं, तो हमारा फ्रेंड्स क्या होता है, हेड स्टॉक में जो मेन स्पिंडल होता है, तो मेन स्पिंडल के सिरे की जिस सिरे में जिसके अंदर हमारा मोस्ट टेपर कटा होता है। ठीक है, जिस सिरे के अंदर मोस्ट टेपर कटा होता है, उसी सिरे के अंदर जहाँ पे मोस्ट टेपर, उसी के ऊपर हमारा क्या कटा होता है फ्रेंड्स, थ्रेड कटी होती है। तो जहाँ पर थ्रेड कटी होती है उसी में हम फेस प्लेट वगैरह ये सब चक वक लगाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्पिंडल नोज। उसी भाग को जहाँ पर थ्रेड कटी होती है तो उसी भाग को हम स्पिंडल नोज बोलते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं जहाँ पर हम वर्क होल्डिंग जो है बांधते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स,
स्पिंडल न्यूज बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइव टेस्ट अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो लाइव टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फीस 40 रुपये पर मंथ है, डेली लाइव टेस्ट होता है जिसकी PDF भी आपको उसमें मिल जाएगी आपको ग्रुप में। और जो चैनल में अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।